हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मानु वर्गप और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 आईएमपी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस पार्ट टू वीडियो में। साथ में इसका पार्ट वन वीडियो हमने बनाया है, जो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या आप चैनल की प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हो। साथ में अगला क्रम भी हमारा जारी रहेगा और अन्य विषयों से रिलेटेड भी हमारे गणित सहित विभिन्न विषयों के आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और दोस्तों, आपका क्या राय है हमें राय में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें समर्थन देने के लिए अपना वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 21 नंबर का, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, कौन सी क्लास में पड़ती है, किस कक्षाओं में। तो ऑप्शन दिए प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। तो जो पेरेंट्स मीटिंग होती है दोस्तों, तो सबसे अधिक हमने देखा भी होगा अपने स्कूलों में, तो वो प्राइमरी कक्षाओं के लिए अधिक पड़ती है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, तो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ती है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राइमरी व प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार या ये सभी। तो नगरीय सुख सुविधाओं, जबकि इस पर क्वेश्चन में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लिखा है, तो नगरीय सुख सुविधाएँ ये नहीं लग रहा है। उच्च शिक्षा का प्रसार जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता, तो ग्रामीण के हिसाब से प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए सबसे बेस्ट है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर राइट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है तो किस चीज़ की आशा या उम्मीद रखता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है समर्पण एवं निष्ठा, दूसरा आज्ञापालन भाव की, तीसरा योग्यता एवं ज्ञान की और ये सभी। तो इसका 23वें का राइट आंसर है ये सभी, कि समर्पण की भावना होना चाहिए, आज्ञापालन का भाव होना चाहिए, योग्यता और ज्ञान तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर इसका ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो अभिभावक अपने बालकों से के लिए आशा जो करते हैं वो किस प्रकार की करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की और ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, यानी सहानुभूति प्रेम की और निष्पक्ष व्यवहार की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से क्या करेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, इसका चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, पिछड़ापन है, आवश्यकता है, अनावश्यक है या असंभव है। तो इसका दोस्तों, पिछड़ापन तो बिल्कुल नहीं है, आवश्यक भी है, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के से छात्रों में एक अच्छी प्रवृत्ति आती है, अच्छे आचरण रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी है, चलिए इसका राइट आंसर बी है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मनिर्भर के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी भी वस्तु विषय वस्तु को छात्र को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, सरलता से सिखाने का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति और सहृदयता। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि पूछा गया है, सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण, सरलता से सिखाने के लिए, तो प्रभावी अभिव्यक्ति यानी उसके जो अभिव्यक्ति या विचार करना, एक्सप्लेन करना, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके वो उससे समझा सकता है, तो इसके हिसाब से सी सही होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को किसी प्रकार में किसी कार्य में लगा देना, टीचर फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला दिया है, शरीर को हष्टपुष्ट बनाने में भी ये, और तीसरा प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी कराना, नेक्स्ट बालक का सर्वांगीण विकास कराना। तो इसका बालक का सर्वांगीण विकास के लिए ही खेलों का आयोजन होता है, विद्यालय का यही उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है, तो
इसके जो ऑप्शन दिए दोस्तों, इनमें से इनके कोई लाभ नहीं होते हैं, गलत है, हो सकता है ये तो क्वेश्चन। अगला दिया है विद्यालय में दादागिरी फैलती है। नेक्स्ट दिया है शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक संसाधन है। और नेक्स्ट दिया है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों विद्यालय में छात्र संगठन करने का जो उद्देश्य रहता है उसका मेन यही है कि छात्रों में नेतृत्व या लीडरशिप की भावना बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 31वां क्वेश्चन दिया है शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या है, शिशुशाला में आवश्यक क्या है, और खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषण भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। शिशुशाला के लिए, शिशुशाला के लिए आवश्यक जो है खेल के अवसर प्रदान करना इसमें सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, सम्मिलित करती है। तो इसका ऑप्शन दिए पर्यवेक्षकों को निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास के लिए शिक्षकों को निर्देश, और प्रकरणों की सूची बहुत से। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, तो वो शिक्षकों को निर्देशित करती है, और इसका राइट आंसर शिक्षकों को निर्देशित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। प्राइमरी शिक्षा का दुर्दशा का कारण ऑप्शन दिया है एकांकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन से अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो दोस्तों एकांकी परिवार इतना मैटर नहीं करता है, छात्रों का दूरदर्शन टेलीविज़न देखने वो भी मैटर नहीं करता, गाइड पुस्तकों पर निर्भरता ये भी नहीं, छात्र शिक्षक का विषम अनुपात तो यही हो सकता है। तो इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। अगला दिया है सभी बच्चों की एक ही समस्या हो है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ऑप्शन दिए एक साथ एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों को और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया पहले बड़े बच्चों को। तो सामूहिक रूप से ही करेंगे जब सभी की समस्या एक स्वीप प्रकार की है, तो इसका आप आंसर है बी। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी किस प्रकार से आपका व्यवहार होगा। एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, दूसरा एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यदि कोई आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ भाई हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या बुराइयां हैं, तो हम उसमें अपने सुधार करेंगे। तो इस हिसाब से एक मित्र के रूप में होना चाहिए, इसे देखते हैं इसका आंसर, एक मित्र के रूप में ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यह है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह बेशक की रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, उत्तम वक्ता हो। तो ये सभी है लेकिन ये आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो। तो इसका राइट आंसर ए हो, इसका राइट आंसर ए है। अगला देखते हैं प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है किस कंडीशन में। ऑप्शन दिए हैं श्रोता के स्तर को जान करके, आपके उचित शब्दों का प्रयोग से, आपको विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोल करके प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है श्रोता के स्तर को जान करके, पहले भाई हम जान लेंगे सामने वाले का क्या कितनी सहन करने की, कितना सीखने की, कितना संप्रेषण करने की उसमें क्षमता है, तो वो स्तर जान करके ही हम उस वो संभव कर सकते हैं प्रभावी संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर ए होगा और देखते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या धर्म गुरुओं के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा, जहाँ नैतिकता की बात होती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो ये भी सभी शिक्षा दी जाती हैं विद्यालय में, इसी से रिलेट। तो इसका आंसर स्कूल के ऊपर ही होगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो ये चौथा तो हो ही नहीं सकता, लिखने का बोझ भी कोई खास नहीं है क्योंकि ये आवश्यकता है, पढ़ने का बोझ भी नहीं है, गृह कार्य का हो सकता है, पेपरलेस बैगलेस भी तैयारियां चल रही हैं। तो इसका राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आपके घर उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो डेफिनेटली आत्मसंतोष की भावना होती है। कहा भी जाता है कि भाई अगर एक बच्चा आगे पढ़ रहा है तो उसके सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है, और अगर थर्ड पर्सन अगर होता है तो वो टीचर ही होता है। तो आत्मसंतोष की भावना ही रहेगी, ईर्ष्या की भावना नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
तो इसका आंसर ए है। तो दोस्तों यहीं पर हम आज का ये प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला पार्ट थ्री लेकर के आएंगे। दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और आपकी जो भी क्वेश्चन है वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।